नमस्कार, आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज पामिस्ट्री में हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे टीचिंग पामिस्ट्री में, कि हमने देखा कि जीवन रेखा के बारे में हमने देखा, पार्ट वन देखा, पार्ट टू देखा, पार्ट थ्री देखा और अब पार्ट फोर लेके आया हूँ। ये क्या कारण है कि जीवन रेखा की गतिविधियाँ इतनी हैं कि मैं एक वीडियो में नहीं उसे समा सका। और कुछ लोग, कुछ पाम रीडर बस इतना कहते हैं कि ये रेखा ऐसे है तो, और अगर ये रेखा ऐसे निकल जाती तो विदेश में सेटलमेंट होता है। बस इसका दो रेखाओं का ज्ञान है, बाकी सारी गतिविधियां नहीं है। तो मैं तो बस ये आपका कितने सेकंड का बना, ये वाली बात जो है 44-45 सेकंड, एक मिनट में मैं ये वीडियो बनाकर ख़त्म कर सकता था, जिसे मैंने चार पार्ट में लेकर आ रहा हूँ। तो कुछ तो अलग होगा। तो आज हम सोचते हैं, आज सीखते हैं हम सम्राट योग, जीवन रेखा पर बनने वाला सम्राट योग। और सम्राट योग कहते किसे हैं, सम्राट योग कहते किसे हैं? देखो, याद रखना कि पहले तो सम्राट योग ही बता देता हूँ कि सम्राट योग किसे कहते हैं। देखो, सम्राट योग का मतलब क्या है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत सोचो कि आपकी लाइफ जो होगी ये अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो तो बाद में सम्राट योग आएगा। नहीं, इसके इंडिकेशंस जीवन में शुरुआती बचपन से ही पता लगने शुरू हो जाते हैं, वो होता है सम्राट योग। ये आप सोचो कि ये अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं उसके बाद हमारे पास सम्राट योग आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दिलो दिमाग से हटा दी, ठीक है? ये सब बेवकूफ बनाने वाले बातें करते हैं। पहली बात, सम्राट योग का मतलब क्या है कि आपकी लाइफ में आपके पास चीज़ें, आप मुसीबत आई है तो वो पहले आपको नॉक करेगी, आपके दरवाजे को बेल बजाएगी, आपको पहले आगाह करेगी, आपसे कहेगी, रिस्पेक्ट से बोलेगी, सर मैडम क्या मैं आपके घर में एंटर कर सकती हूँ। तो आपके पास प्रॉपर टाइम होगा उससे बात करने का। आप समझ रहे, ये मुसीबतें ऐसे आती हैं, मतलब वो रिस्पेक्टली आपको बिहेव करवाती हैं। यानी मुसीबत वो मुसीबत नहीं आती जो एक धड़ाम पड़ा, जैसे हम सब लोगों के ज़िंदगी में कभी कोई पहाड़ टूट गया, कभी कुछ हो गया, कोई नुकसान हो गया, कोई कुछ, ऐसे नहीं। रिस्पेक्टली इनको बिहेव करवाती हैं कि ये सम्राट योग की परेशानियाँ आती हैं इन लोगों को, पर लेकिन कैसे आती, ऐसे आती है, बेल बजाएगी, आपकी आपसे सर झुका के बात करेगी कि सर कि मैं अंदर आ सकती हूँ। आप पूछोगे कितना नुकसान पहुँचा, ना ठीक है, मैं अपना एडजस्ट कर लूँगी इसमें, ठीक है सर, नहीं कोई ज़्यादा नहीं करूँगी, थोड़ा सा करने आ रही हूँ और उसके बाद मैं भाग जाऊँगी, बस केवल आपके घर पे मुझे कुछ करना है। इसे कहते हैं सम्राट योग। आप तकलीफ़ों में जूझ रहे हो, पैसों के लिए आप जूझ रहे हो, आप एक मकान लेते वक्त आपको सालों सोचना पड़ रहा है, एक छोटा सा एक कार लेने के लिए 4 लाख की आप लगातार पैसे जोड़ रहे हो, कार नहीं ले पा रहे, लग्जरी लाइफ नहीं जी पा रहे और आप कह रहे हो मेरे हाथ में सम्राट योग। ये सम्राट योग की निशानियाँ हैं ही नहीं, ये है ही नहीं। पहली बात तो दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। अच्छा सर, जीवन रेखा पर सम्राट योग, पहले आप जीवन रेखा का बताओ उसके बाद फिर सम्राट योग को आप मेंशन कीजिएगा। देखो, सम्राट योग जीवन रेखा पर कैसे बनता है कि सम्राट योग बनता है कि ये सर्कल जो है ना, ये सर्कल ऐसे करके उर्ध की तरफ ऊपर की ओर आ जाएगा। ये रेखा ऊपर की ओर ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है। ये अगर आती है, ये सम्राट योग लंबी आयु को रिप्रेजेंट करती है, सुख मिलेगा आपको, धन मिलेगा, लाभ मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी जिंदगी में, नौकरी में, बिजनेस में आप आगे बढ़ते हुए चले जाओगे। तकलीफें नॉक करके आएंगी, सर आपके घर में थोड़ा सा बस नुकसान करना है, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं करना, कर सकती हूँ आप, नहीं लोगों तक बात नहीं पहुँचेगी आपकी, आपके घर तक ही रहेगी, छोटी मोटी बस 15 दिन 10 दिन बस ये प्रॉब्लम, हाँ दे दो, इसमें कोई मेरा कुछ नहीं, मेरे पास पैसा है, मैं निपट ले गया। ये ऐसे आते हैं इनकी कठिनाइयाँ, इन लोगों के सम्राट योग है, इसे कहते हैं सम्राट योग। अच्छा, अच्छी फैमिली में जन्म होगा इनका, बिल्कुल जी। आप ये सोचो कि आप स्ट्रगल करते हुए अपनी ज़िंदगी में बाप के पास पैसा नहीं, माँ के पास पैसा नहीं, आप पढ़ाई आपने ट्यूबलाइट में पढ़ी है और आपके हाथ में ये सम्राट योग, आप कहते हैं ये सम्राट योग नहीं, भूल जाओ ये बचपन
आपको दिखाता है कि आप अच्छी फैमिली में रिप्रेजेंट करें, आपके बाप के पास कार है, आपके पास उनके पास अच्छी अच्छी स्टेटस है, अच्छी पोस्ट है, आप जो चाहते हो वो मिलता है। आज के टाइम पर आपने कहा मुझे ना ऐसा है कि आईफोन एक्स चाहिए, लो बेटा बेटा मेरे पास भी है, मैं तुम्हें नया मॉडल अभी देखो कोई और आ रहा है तो उसका 11 आ रहा है, 11 प्रो आ रहा है, मैं दिलवा देता हूँ। चलो बचपन से ही इन लोगों के पास ये चीज़ें मिलती हैं, यानी बाप के पास है तभी दे रहा है। इसे कहते हैं सम्राट योग, कि बाप पहले बचपन से ही वो रेखा जो यहाँ पर थी इसका मतलब ये यहाँ पर आ गया तो वो पूरा कर दिया, पहली बात। अब इसका मुंह मैं नीचे की तरफ कर दूं तो अब ये क्या कहता है, यहां पर इसको समझो, यहां पर अगर हो जाएगी तब ये क्या करेगा, ये इस उम्र के बाद। अब आता है सम्राट योग इस उम्र के बाद कि बाप के पास अभी देखो समझो, हमारे ना पापा के पास पहले पैसा था और मेरा बचपन ठीक से गया, बचपन ठीक से जाएगा, लेकिन फिर पापा का ना बिजनेस डाउन होना शुरू हो गया तो हमारे पास ना बड़ी मुसीबतें आनी शुरू हो गई। तो उसके बाद ना मैंने नौकरी करी, उसमें स्ट्रगल कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा और उसके बाद ये क्या कर रहा कि आपकी लाइफ को अब सम्राट योग पर ले, अब देखो बदल गए लेकिन बचपन आपका अच्छा जाएगा ये कन्फर्म्ड है। जैसे केतु अगर डिस्टर्ब होता है तो बचपन खराब चला जाता है, पढ़ाई खराब करता है, सब कुछ करता है, पैसों की दिक्कत सब कुछ करता है, बीमारियां, ठीक है। तो ऐसे ही इसने क्या करा, आपका बचपन और फैमिली को पहले लेकर चलेगा, प्रतिष्ठित फैमिली में जन्म होगा आपका, सारी चीज़ें होंगी, सुख सुविधा स्वास्थ्य अच्छा होगा, ठीक है। मान के चलो यहाँ पर यव आ गया, सर कठिनाइयाँ होनी थी कुछ फैमिली की, अरे छोड़ो यार कुछ नहीं, आराम से निकल गया सर मैं, मेरे को पता नहीं क्यों मेरी ना हर काम बन जाता है। अच्छा तो वो लोग कहते हैं ये वाली रेखा के कारण बनता है, इस कारण से बनता है ये हर काम बन जाएंगे आपके, ना 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 ना, ना इसका कारण है ये सम्राट योग। कहता है बेटा कुछ नहीं होता, यव का निशान भी मेरे सामने पानी भरेगा, पानी भरेगा, ठीक है। अच्छा अच्छा सर अब मान के चलो अब यही यहाँ आ जाता है, ये यहाँ आ जाता है। ऐसा है मैंने अपनी ना पूरी ज़िंदगी जो थी ना बच्चों के लिए पूरा सब कुछ किया, बहुत पढ़ाया लिखाया सब कुछ करा, आज मेरे बच्चे कलेक्टर बने हुए हैं और सब कुछ है, और आज वो मुझे गाड़ियों में घुमा रहे हैं सर, पता है मुझे गाड़ियों में घुमाते हैं, मुझे एक देश से दूसरे देश घूमने ले जाते हैं, इतना मुझे सुख देते हैं कि मेरा बुढ़ापा जो है मुझे पता ही नहीं लग रहा कि मेरा बुढ़ापा कैसा, ये तो मुझे पलकों में बिठा रहे। आज मुझे वो बीज जो बोया था ना, मैंने जो मेहनत करी थी, मैंने बच्चों को पढ़ाया था लिखाया था अपना पेट काटा था, आज मुझे ये मुझे सही लग रहा है कि ये मेरे लिए अच्छे बच्चे हैं, अच्छी पोस्ट पर गए हैं, सब कुछ गए हैं। अच्छा सर अब ये अगर इस लेवल पर आ जाए गुरु के आसपास और ये वाली प्रिमिसिस पर यहाँ पर आ जाए ऊपर की तरफ, ये देगा वही बचपन से लेकर सब कुछ सारे बढ़िया पैसा वैसा सब कुछ होगा। क्या होगा सर, खांसी नहीं रुकती मेरी ज़िंदगी में, मेरे को ना लगातार खांसी आती है, सर्दी लग जाती है छोटी छोटी बातों पर, जुकाम हो जाता है, फेफड़ों की सांस लेने की प्रॉब्लम रहती है। हाँ कुछ नहीं, मैं डॉक्टरों के पास रहता हूँ और कुछ नहीं, और पैसा, हाँ पिताजी ने कहा कि यहाँ इलाज नहीं होता तो मैं कहीं और करवा लूँ, तो मैं वहाँ गया था इलाज करवाने के लिए, बाहर विदेश में भी गया था इस वाली के लिए। अच्छा 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 ये बस यही करवाएगा और कुछ नहीं कराएगा, बाकी तो आपका पूरा स्टेटस सम्राट योग है, छोटी मोटी बस चीज़ें लगती रहेंगी, ये लगातार लगती हैं। ये कहता है दूंगा छोटी मोटी, बस यही दे दी मैंने, दस्तक करके आया हूँ, पैसा है तुम्हारे पास, सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, बस और कुछ नहीं दूंगा, ये दे दिया तो कुछ नहीं दूंगा, बस मेरे को मेरे पास ज़िंदगी का सब कुछ है, कार है, नौकर है, चाकर है, सब कुछ है, सारे पापा अच्छे हैं, मम्मी बहुत अच्छी हैं, ठीक है, बहन अच्छी जगह सेट है, सब बस यही है, थोड़ा बहुत बस मेरी ज़िंदगी में ये लगा रहता है, बाकी तो मुझे आपका हाथ दिखाने की ज़रूरत क्या है, ये कहते हैं लोग। अच्छा सर अब ये तो रहा सम्राट योग आपका
लाइफ लाइन पर, जीवन रेखा पर। लेकिन सम्राट योग कहाँ कहाँ बनता है? देखो, सम्राट योग सबसे पहले एक तो ये हो गया, दूसरा बनता है आपका मणिबंध रेखा जो होती है ना, मणिबंध रेखाएं। यहाँ पर अब फोटो चेंज करनी पड़ेगी जब मैं दिखाई देता हूँ। देखो यहाँ पर आपने देखा ये मणिबंध रेखाएं होती है। मणिबंध रेखा पर यहाँ पर आप तिल देख लो, यहाँ पर तिल देख लो, कुछ नहीं। इन व्यक्तियों को क्या होगा कि मान के चलो अच्छे घर में सब कुछ पैदा होंगे, सब कुछ होंगे, सब कुछ होगा। पिताजी जो हैं, पिताजी मैंने ना अच्छे से इंस्टीट्यूट में ना पढ़ना है। हाँ बेटा जाओ, बेंगलोर जाना है मुझे, वहाँ बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है वहाँ पर। हाँ बेटा जाओ। अच्छा मैं जॉब भी वहीं कर लूँ? हाँ कर लो बेटा, कर लो। अच्छा जॉब पापा मुझे मिली है, 1 लाख का पैकेज है। हाँ करो बेटा, करो करो। इनको इतनी अच्छी तरक्कियां मिलती हैं लाइफ में, अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी मिलती हैं। और इनकी सोच क्या होती है? इनकी सोच होती है कि ऐसा है कि शादी होगी ना तो चलो नौकर रख लेंगे, ठीक है। अब मान के चलो ये तो कमाई करने वाली लड़की बताया मैंने, अब हाउसवाइफ के हाथ में आ गई, हाउसवाइफ के हाथ में आ गई। तो ये क्या है, अपनी जिम्मेदारी में परफेक्शन लाना शुरू हो गए। जॉब में भी परफेक्शन आता है तो इसमें भी परफेक्शन, उसमें तरक्की थी इसमें भी तरक्की, उसमें प्रगति थी इसमें भी प्रगति, उसमें प्रतिष्ठा थी इसमें भी प्रतिष्ठा। मेरे बीवी के हाथ में ना एक जादू है, खाना बनाने का। क्या जादू? ओहो, उनके हाथ से कोई भी खाना खा लेना वो उंगलियां चाटता है, मज़ा आ जाता है। और पता है इस कारण से इतनी मशहूर है कि उनकी रेसिपी जो है बहुत ज़्यादा चलती है। और मेहमान आते हैं हमारे घर में, ओहो आपके आपके हाथ की चाय पीने के लिए, अरे चाय में स्वाद आता है उनके, अरे वाह कमाल। और ये लोग बोर ही नहीं होते, ये लोग अकेले नहीं रह सकते, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है अकेले रह ही नहीं सकते हैं ये। ये परिवार में घुल मिल के रहते हैं, परिवार में घुल मिल के रहते हैं, यहाँ तक कि बहू से भी बना के रखेंगे। नहीं तो आप सोच लो सास की बहू से बनती है? ना बनेगी भैया, ना बनेगी, नियम है नहीं बनेगी। लेकिन ये सम्राट योग कहता है बेटा बहू से भी बनवा दूंगा मैं आप। तो आप ना हर फीमेल पहले चेक कर लो अपनी सांस का हाथ, और उसमें देखो कि अगर तिल है। हाँ 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 हाँ, मुझे लड़के से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो अपनी सांस से मतलब है भाई, ये मुझे बचा लेगी, लड़का चाहे जैसा मर्जी। देखो देखो जानबूझ के देखो, ठीक है। यहाँ पर आप सोचो ये होता है सम्राट योग, बस कठिनाइयाँ आएंगी और निकल जाएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी निकल जाएंगी, ठीक है। बस इतना दान देते हैं ये लोग, पुण्य करते हैं पैसों के लोग। अगर ये खर्चे करते हैं, अगर कोई फीमेल या मेल कमाई करने वाला है और अच्छी कमाई है तो बेफालतू के खर्चे करेगा। अरे मैं दोस्तों के लिए, ऐसा है कि आप सोचोगे दोस्तों के लिए ना 200 रुपये की चीज़ लाने के लिए, ये सोचेंगे 800 की चीज़ लाती हूँ, 1000 की लाती हूँ, अरे मेरा स्टेटस भी तो है। ये फीलिंग देती है सम्राट योग, ठीक है। अच्छा सर, और क्या हो सकता है सर सम्राट योग? अब इसी हथेली को हम बैक साइड पर ले आते हैं। अब क्या होता है, बैक साइड पर अगर हथेली को रखोगे ना, ये ऊपर उभरी हुई मिला, ये वाला पोर्शन आपको उभरता हुआ मिला, एक झोपड़ी बनती हुई हाथ रखा, किसी का एक झोपड़ी बनता हुआ हाथ रखा। अरे ये कैसे ऊपर कैसे झोपड़ी सा बना हुआ, यानी एक राउंड शेप में यू बनता हुआ दिखे आपको, फूला हुआ दिखे, जैसे मधुमक्खी ने काट लिया हो, ठीक है ना। ऐसे ऐसे हाथ देखिए ना जो फूले हुए होते हैं ऊपर से, कछुआ टाइप जो होते हैं। तो वो सोच लो कि आप ना, ये भी आपको सम्राट योग कहलाएगा, ठीक है। एक कमी होती है इनके अंदर, इनके अंदर कमी ये होती है कि इनको राहु बड़ा तंग करता है, ठीक है। राहु छोटी मोटी दिक्कतें जो है ना इनके साथ लगा कर देता रहता है, छोटी मोटी, ज़्यादा तंग नहीं करता, मतलब ज़्यादा हाई लेवल पे नुकसान नहीं पहुँचाता। पर लेकिन क्योंकि क्या होता है कि जब ऊपर का हिस्सा जब उभर जाता है तो राहु जो होता है ना वो थोड़ा सा दब जाता है, और कुछ नहीं होता। राहु थोड़ा बहुत इनको पैसों में, पर इनको फ़र्क भी नहीं पड़ता उस चीज़ का, ठीक है। नमक जितना खाने में होता है बस इतना ही फ़र्क पड़ता है। अब किसी का हाथ देखा होगा आपने, यहाँ से तो बहुत चौड़ा होता है, कलाई ये होती है,
बताओ, एक होर्डिंग की तरीके से, एक 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 तख्ती रख लो, एक होर्डिंग रख लो, होर्डिंग का ये कलाई, बेचारे की कलाई नहीं, बहुत पतला सा है, बहुत कुछ है, और ये चौड़ा कभी नहीं होगा हाथ, वो लंबा होगा हाथ, पतला होगा, उंगलियां लंबी लंबी, पतली पतली। अच्छा सर, वो ऐसा चिंपांजी जैसा, चिंपांजी जैसा, हाँ चिंपांजी जैसा आप रख लीजिए, ठीक है, हाथ कि पतला सा लंबा सा हाथ और कलाई पतली सी, वो भी कहलाता है, ठीक है, वो भी कहलाता है। उनकी थोड़ी सी सेहत जो होती है, एक हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम उन लोगों को लगी रहती है, ठीक है, थोड़ा सा बस वो है, और उन्हें आदतों से बच के रखना चाहिए, गलत आदतें नहीं होनी चाहिए, बस इतना ही वो कंसर्न कहलाता है, ठीक है। फिर एक आता है कि सर उल्टा करा हमने अंगूठे के सेकंड पोर पर, आपको काले घने बाल नहीं होने चाहिए, कंफ्यूजन मत कीजिएगा, काले घने बाल होंगे तो वो राजयोग नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वो ही बाल थोड़े से, अगर कहूँ हल्के पर भूरे रंग के थोड़े से हो तो उसको भी राजयोग कहते हैं, काले बालों को नहीं कहते हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि जीवन रेखा पर सम्राट योग होता है, और वैसे सम्राट योग की निशानियाँ क्या होती हैं, और कैसे इन्हें मुसीबतें बस टच करके दस्तक देकर आती हैं केवल, और लेकिन उनका बचपन, उनके फैमिली स्टेटस, प्रतिष्ठा, ये सब अच्छी होती हैं, ठीक है, बाप अच्छा होता है, अच्छी पोजीशन पे पहुंचता है, उसकी उसके पास पैसा होता है, अपना घर होता है, एक नहीं होते, दो होते हैं उनके घरों में, उनके फादर के पास, ठीक है, और वो अच्छी लेवशी लाइफ जीते हैं, अपना भी बहुत अच्छी तरक्की करते हैं, सब कुछ करते हैं, बाप से मांगते ही नहीं, बाप दे देता है कि ले बेटा ले, तू मेरी तरफ से ले ले, तुझे जो चाहिए होगा मैं दूंगा, पर वो मांगेगा नहीं क्योंकि उसको खुद मिल रहा है, तो क्यों मांगेगा, कहता है मेरी झोली में तो खुद आता रहेगा, तो आता है, इसे कहते हैं सम्राट, ठीक है। तो चार मैंने आपको वीडियो बना के दिखाए, जीवन रेखा और गतिविधियां, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, ठीक है, और आप देखो समझो और अच्छे पाम रीडर बनने की कोशिश करो, ठीक है, फार्मूलों को पकड़ो और बनो। धन्यवाद।